अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम हाजिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट एग पराठा। तो एग पराठा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर 2 अंडे। उसके बाद हम लोग ने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके काट लिए, मीडियम साइज़ का प्याज लेके चॉप कर लिया छोटा छोटा। फिर हमारे पास 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही नमक और 1 टीस्पून के करीब हम लोग लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करेंगे। 1/2 टीस्पून है हमारे पास धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर और हमारे पास 2 मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्ची थी जिसको हमने काट लिए। तो एग पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपना पराठा रेडी करना होगा, तो चलिए हम लोग अपना पराठा रेडी करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग अपना पराठा बनाने के लिए पेड़ा रेडी कर रहे हैं। तो मैंने सेंटर में भी इसकी ऑयल लगा रही हूँ, इसको हम लोग इस तरीके से बंद करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरीके से आप भी रेडी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पराठा पसंद है आप वैसे अपनी पसंद से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे अपने हाथों पे लपेट रही हूँ। तो हमारा पेड़ा हो चुका है रेडी, अब हम इसे बेल लेते हैं और अपने पराठे को फुल साइज में ले आते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अब हम अपने पेड़े को बड़ा कर रहे हैं, अच्छे से आपने बड़ा करना है साइड से पतला हो। अब हम इसे फुल साइज बेल लेते हैं। तो गाइस, यहाँ एक तरफ हमारा पेड़ा फुल साइज़ रेडी हो चुका है, वहीं पे हमने अपना जो तवा पैन है वो भी रेडी कर लिया, अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया। अब हम अपना पराठा डाल देते हैं, हम लोग इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि दोनों साइड्स अच्छे से पक जाए। अब हम इसके इस साइड पर भी ऑयल लगा देंगे और इसको फिर पलट लेंगे। मैंने 2 से 3 टीस्पून जो है वो ऑयल के यूज़ किए हैं। इससे हम लोग अब दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे अच्छा सा कलर आने तक। सो गाइस, हमारा पराठा तो हो चुका है रेडी जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम अपना ऑमलेट रेडी करते हैं। सो गाइस, यहाँ दूसरी तरफ हमने एक बोल के अंदर अपने अंडे ले लिए, इनके अंदर हम लोग के पास जितने भी स्पाइसेस और बाकी सब चीज़ें थी वो हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम लोग इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रहे हैं। सब्ज़ मिर्ची के बाद हम लोग इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद हमारे पास धनिया पाउडर। फिर हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची पाउडर के बाद हमारे पास गरम मसाला और सबसे लास्ट पे हम लोग ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और अपना ऑमलेट रेडी करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग अपना ऑमलेट रेडी करते हैं। तवे पे हमने ऑयल डाल लिया, ऑयल के बाद हम लोग अपना ऑमलेट डाल रहे हैं। ऑमलेट डालने के बाद हम लोग इसको फैलाएंगे पर इतना कि ये जस्ट हमारा जो पराठा है उसके साइज़ का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, उससे छोटा हो जाए तो इतना कोई नहीं है मतलब मसला, लेकिन उसके साइज़ के इक्वल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ हैं या बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब अपना ऑमलेट रेडी करते हैं, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। एक साइड से हमारा ऑमलेट रेडी हो रहा है, हम दूसरी साइड से उसके ऊपर पराठा रख देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा ऑमलेट है वो बिल्कुल पराठे के साइज़ का है। इसको हम लोग अच्छे से प्रेस कर रहे हैं ताकि जो एग है हमारा वो हमारे पराठे के साथ अच्छे से लग जाए। अब फिर हम लोग इसको टर्न कर लेंगे जस्ट 10 सेकंड और पका के, ताकि इस साइड से जो हमारा अंडा है जो ऑमलेट है वो अच्छे से बन जाए।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपना जो एग और पराठा था उसको पलट लिया है और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आना स्टार्ट भी हो गई है। अब हम इसे चंद सेकंड और इसी तरीके से पकाएंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसकी फाइनल लुक। सो गाइस, हमारा एग पराठा हो चुका है रेडी, अब हम देखते हैं इसकी फाइनल लुक। सो गाइस, ये है फाइनल लुक हमारे एग पराठा की। और गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। और गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।